વલસાડ જિલ્લાના ધંબડાશી ગામ ખાતે આવેલ સત્યા ગ્રુપ દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ગ્રીન શેડ મશીનોનું કન્સાઇનમેન્ટ કુવેત મોકલવામાં આવ્યું હતું. વલસાડના ધંબડાશી ખાતે આવેલ સત્યા ગ્રુપના એમડી સરદાર રણજીતસિંહ અને દિલબાગસિંહ વર્ષોથી ગ્રીન શેડ મશીનના ઉત્પાદન ક્ષેત્રે સંકળાયેલા છે. 2012માં તેમણે જાતે જ મશીન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને હાલમાં સરકારની મેક ઇન ઇન્ડિયાની યોજના અંતર્ગત સત્યા ગ્રુપે તેમની કંપનીમાં જ બનાવેલા મશીનો વિદેશમાં મોકલ્યા છે. આ મશીનોનું કન્સાઇનમેન્ટ કુવેત મોકલ્યું હતું. एक जगह पंजाब में बनाते हैं वो, लेकिन वो न्यू मशीन नहीं बनाते, वो पुराना मशीन लेके मॉडिफाई करके उसको सेल करते हैं जी. आपका मशीन है जो दूसरे जो फॉरेन के मेड इन फॉरेन के जो मशीन होते हैं उसके कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग है और कितना कंपेटिबल? हम लोग ताइवान की टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी, हम लोगों ने जितना शुरू से लेकर अभी तक बहुत इम्प्रूव किया है और हम लोगों ने बहुत क्वालिटी, जैसे जैसे हमको मालूम पड़ता कि हमने अपने क्वालिटी में भी सुधार किया. हाँ जी, हमने पैटर्न करवा के रखा है. ये मशीन पंजाब में मॉडिफाई भी करते हैं और वो कुछ लोग हमारी मशीन का डुप्लीकेट की प्लानिंग में भी है. हमने सब पैटर्न करवा के रखा हुआ है. ये दूसरे कौन फॉरेन कंट्री से बनाते हैं और उसके कंपेरिजन? जर्मन और ताइवान बनाता है और चाइना में भी बनती है. हमारा उनके मुकाबले में सिर्फ 15% में ही कॉस्ट में और प्रोडक्शन सेम है. वो कहाँ कहाँ बिकता है ये मशीन? ये मशीन पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत जगह जा रहा है. हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये मशीन हमने श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान के तहत बनाना चालू किया था और हम लोग ने पहली मशीन पोलैंड में भेजी. अभी दो मशीन हम लोग कुवैत में भेज रहे हैं. इंडिया में भी हम लोग सेल कर रहे हैं और हमारा सपना है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में हर कोने में हमारी मशीन जाए. तो पहले कहाँ से ये मशीन आता था और उसके कंपेरिजन में अपना ये मशीन किस तरह से फिट बैठता है? सबसे पहले जर्मन ने ये बनाना चालू किया था और जर्मन का कॉस्ट है 3.2 CR और ताइवान का कॉस्ट है 1.5 crore. हमने वो सबको ध्यान में रखते हुए मशीन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया और रेट भी कम सोचा है, तो हमने जर्मन के हिसाब से हमारी कॉस्ट सिर्फ 15% ही आ रही है. और ये क्या बनाता है और कितने कैपेसिटी का है, ये किस तरह से कितना प्रोडक्शन होता है? ये मशीन पे एग्रोशेन नट, ग्रीन नट, एग्रीकल्चर नट सब नाम एक ही हैं, लोग अलग अलग बोलते हैं. और इसके अलावा इसमें मस्कीटो नट भी बनता है और फ्रूट नेट भी बनता है और इसकी मंथली प्रोडक्शन 20 टन है. कितने टाइम में ये मशीन बनता है और कितना टाइम लगता है इसमें? ये मशीन एक महीने में एक मशीन ही बनता है. अब तक कितने मशीन बेच चुके हैं आप? अब तक हमने 25-26 मशीन बेच चुके हैं.